पश्चिम बंगाल की राजनीति। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर केस की जांच जारी है। इसी बीच खबरें हैं कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने घटना में गैंगरेप की बात से इनकार कर दिया है। हालांकि अब तक केंद्र एजेंसियों की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने गैंगरेप की आशंकाओं से इनकार कर दिया, साथ ही कहा कि सबूत इशारा कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ रॉय ही शामिल है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जांच अंतिम चरण में है और एजेंसियां जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार एजेंसियों ने आरोपी के डीएनए सैंपल समेत मेडिकल रिपोर्ट्स को एम्स के एक्सपर्ट्स के पास भेजा। डॉक्टर की अंतिम राय जानने के बाद एजेंसी जांच पूरी करेगी। बातचीत में सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के पास से ये मानने की कोशिश है और कोई वजह नहीं कि डॉक्टर से बलात्कार और हत्या में कोई और शामिल था। महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज की सेमिनार हॉल से मिला था। ईडी के अधिकारियों ने आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके 3 सहयोगियों के आवासों पर शुक्रवार को एक साथ तलाशी ली। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी और घोष के बेलीघाटा स्थित आवास और हावड़ा तथा स्वाजग्राम में 2 स्थानों पर छापेमारी की गई। चारों पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं। अधिकारी ने बताया कि हम सुबह करीब 6:15 पर इन स्थानों पर पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी थी। ईडी ने घोष के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना दायर की है, जो आपराधिक मामलों में प्राथमिक होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 23 अगस्त को सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आज द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। ये फैसला अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अख्तर अली के याचिका के बाद आया, जिन्होंने अनुरोध किया कि प्रिंसिपल के रूप में घोष के कार्यक्रम में वित्तीय कदावर के आरोपों की ईडी द्वारा जाँच कराने के निर्देश दिए जाए। घोष ने फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक प्रिंसिपल के रूप में काम किया था। अक्टूबर 2023 में कुछ समय के लिए आरजीकर में उनका तबादला कर दिया गया था, लेकिन 1 महीने के भीतर वो वापस आ गए थे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।